कभी कोई गैंगस्टर कभी यॉट अमीरों का यॉट कभी अमीरों का पैसा मैनेजमेंट कैसे होता है वो सारी चीजें तो बड़ा इच्छा थी कि आपसे जरा बात करूं करूंगा कहानियों का कलेक्शन थोड़ा मुझे भी मिले जी तो आज बस, बस मैं आपसे बैठा हूं कहानियां सुनने के लिए बहुत तो आप सही। मुझे बताओ किस चीज पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप जिस पे बोलेंगे अपन कर सकते हैं आप रईसों पे जाना चाहे रहीसो पे जा सकते हैं आप इनफैक्ट ऑन द डार्कर साइड जाना चाहते हैं तो डार्क में तो बहुत सारी चीजें हो जाती है डार्क साइड जैसे सैटन भी आ जाता है Illuminati भी आ जाता है, काफी सारी चीजें हो आर की रखे क्या बिल्कुल डाक डार्क की रखते हैं बिल्कुल अंधेरा कायम रहे अंधेरा कायम रहे ठीक है।, है। तो आप बताइए कहाँ से शुरुआत करनी है आई एम ऑल सेट डार्क में ऐसी क्या चीजें हैं, जिसको जानकर करके हमारे को फायदा हो लोगों को फायदा हो सुनने में मजा आए ये बहुत सही है तो देखो आ, डार्क में इसको इसमें थोड़ा स्पिरिचुअल साइड से शुरू करता हूँ इससे लोगों का भी काफी भला होने वाला है ये सोचने वाले के ऊपर है के ऊपर है आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ यहाँ पे ठीक है आपने एक चीज देखी है कि बड़े लोगों ने ना आह सबके मन को नियंत्रित करके रखा हुआ है और वो अलग अलग तरीकों से करके रखा है ये बड़े लोग अमीर लोग अमीर लोग है और ये अमीरों के भी बाप है एक्चुअली में जो आपको फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं दिखेंगे ये लोग आपको कोई ब्लूमबर्ग के लिस्ट पे नहीं दिखेंगे ये लोग सबके ऊपर है अब आप एक चीज देखेंगे कि जितने भी रियल रिच ओल्ड रिच लोग हैं इन लोगों ने वेल्थ किन इंडस्ट्री से बनाई है अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे ज्यादा इनने बनाई है पुराने जमाने वालों ने अल्कोहल इंडस्ट्री से अगर आप नोटिस करोगे कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े लोगों के पास कुछ ना कुछ या तो दारू का ठेका रहता था या तो दारू का कुछ इंडस्ट्री थी इनफैक्ट हमारे देश में भी पुराने बिलियनर्स देखिए आज के टेक बिलियनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ। बट कहीं ना कहीं दारू का कोई ना कोई रिलेशन तो रहता था सम इन्वेस्टमेंट तो रहता था और आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं अल्कोहल गेट्स रिलेटेड टू ऑल दीज रिच पीपल पर हमने कभी नहीं सोचा कि ये अल्कोहल क्यों आ जाता है बीच में अब आपको जान के हैरानी होगी कि रईसों का भी ये प्लान था आप लोगों को कंट्रोल करने का कैसे इस चीज को समझते हैं देखिए अल्कोहल को जब आप तोड़ते हैं तो वो निकलता है अल्कोहल अल्कोहल कुहुल ये एक अरेबिक वर्ड है इसका अर्थ होता है इविल स्पिरिट ठीक है अब पुराने एक्चुअल में जो अल्कोहल होते थे उनके नाम पे अपन जाते हैं फिर आप समझेंगे लॉजिक क्या है एक होता है जिन आपने सुना होगा भाई जिन भी नहीं है जिनको काफी लोगों को लगता है अलादीन का चिराग घिसा वो जिन निकला वो आ, वो वाला जिन है लेकिन अगर आप एंशियन टेक्स्ट पे पढ़ते हैं तो वो जिन को एक नेगेटिव कॉनोटेशन के हिसाब से ही बताया गया है इस्लाम में भी अगर आप देखते हैं तो उसको एक नेगेटिव बताया गया कि एक इविल स्पिरिट जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है ठीक है वोटका का अर्थ होता है स्पिरिट स्पिरिट मतलब आत्मा Okay. जो किसी ना किसी तरीके से मूवीज में हम क्या देखते हैं आत्मा घुस जाती है और आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ठीक है जिन से ही एक वर्ड निकलता है जिंक्स इंग्लिश में आपने सुना ओ माई गॉड जिंक्स मतलब मेरे साथ बैड लक हो गया कुछ बैड ओमेन हो गया कहीं ना कहीं कोई चीज ने कंट्रोल किया आपके इवेंट्स बदल गए आपके साथ बैड इवेंट हो गया आप लोग समझ नहीं पाए बट कहीं ना कहीं ये अल्कोहल बनाया गया था एक तरीके से ताकि आप लोगों को एक नेगेटिव लूप में रखा जाए लेकिन अब आप सोचोगे कि हमारे नेगेटिव लूप रहने से क्या फायदा देखिए हम जब तक नेगेटिव लूप में नहीं रहेंगे तो पूरा का पूरा पाए बड़े लोग नहीं खा सकते इन शॉर्ट अगर आप समझा जाए तो बड़े लोगों ने उन इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करने की कोशिश करी सबसे पहले जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहे मॉडर्न डे एग्जाम्पल दे देता तो, हूँ तो आके आपको और क्लियर हो जाए ठीक है आज से कुछ साल पहले आपके बचपन पे चलते हैं ठीक है आप जब छोटे थे थोड़े बड़े हुए ठीक है Uh, और घर पे टेलीविजन तो आया होगा एक समय पे ठीक है और तब तो आई थिंक सो so दूरदर्शन चलता था <laughs> आप बीती और ये सारी चीज़ें चलती थी ठीक है तो दूरदर्शन जब चलता था तो टेलीविजन था टेल अ विजन टेलीविजन तीन चीज़ों का ब्रेक है टेल अ विजन हम लोग आपको एक विजन देंगे जिसके भरोसे आपको आपकी लाइफ चलानी है अगर आप नोटिस करेंगे उसी को देख के आपने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को बदला था बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब टीवी सीरियल पे देखते थे लंबी लंबी कलम कलम वाला क्लीन वाला क्लीन शेड हीरो एक्टर आ रहा है 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 तो हमने भी रखनी शुरू करी दाड़ियों दाड़ियों का का ट्रेंड ट्रेंड नहीं था लास्ट साल से ठीक है? फिर हम लोग देखते थे टेलीविजन पे कि अचानक से कार्गो वाले पैंट चल रहे हैं तो हर कोई कार्गो वाले पैंट ले रहा है बेल बॉटम चल रहे थे तो सब बेल बॉटम ले रहे थे फिर उसके बाद बूम बूम बूमर आ रहा था तो सब उस हिसाब से ले रहे थे तो हमें पता नहीं चल रहा था बट किस हिसाब से हमें धीरे धीरे हमारे पूरे लाइफस्टाइल को मोल्ड किया गया

W फॉर वेस्ट S फॉर साउथ ये चारों दिशाओं को अगर काबू करना है तो आप न्यूज दिखाइए ओके अगर आप इस चीज को अगर गौर से अगर आप नोटिस करते हैं तो बेसिकली न्यूज का मकसद था कि आपको हर तरफ से होकडप किया जाए और मैं अगर कोई नरेशन दे रहा हूं तो वही जाए आज भी न्यूज चैनल्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है अगर आप गौर से नोटिस करेंगे हर कोई अपना एक बायस हर कोई अपना एक नरेशन देने की कोशिश कर रहा है और हम उसमें बहते जा रहे हैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ 2020 का समय है हम लोग सब अपने घर के अंदर बंद पड़े हुए हैं लॉकडाउन हुआ है पहली बार पूरी दुनिया ने ऐसा कभी भी नहीं देखा है आप न्यूज चैनल खोलो मजाल आप डर के ना बैठ जाओ क्योंकि दिन भर ये चल रहा है कि ये मौत हो रही है ये हो रहा है सांस लेने से भी हो रहा है हॉस्पिटल जाने पर मृत्यु हो रही है खून अजीब अजीब आपने देखे होंगे अल्टीमेटली मौत मौत हो रहा है। मौत हो रहा रहा है है और डर सबके दिमाग में बैठा दिया गया था इतना ज्यादा मैं खुद कसम से महीने तक सिर्फ अपने छत पे ही राउंड लगाता था और अपने गार्डन पे राउंड लगाता था इस डर से कि अगर मैं बाहर बहुत ज्यादा जाऊंगा क्या पता कहां से क्या हो जाए थैंक्स टू न्यूज बट आपने नोटिस करा जैसे ही एक तो खैर मीटिंग हुई पॉलिटिशियंस की हमारे शायद प्रधानमंत्री जी ने बोला कुछ बोला होगा क्योंकि ये चीज है और जैसे ही कुछ चीजें खोली गई अचानक से सारे न्यूज चेंज ही हो गई और जैसे ही न्यूज बदली मतलब धीरे 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 अब अचानक से लोग पहले सिर्फ हर दिन बात होते आज कोविड के इतने केस आज कोविड के ये केस बढ़ गए आज कोविड में ये हो गया आज कोविड का ये आ गया आज उधर ये मर गया जैसे ही वो नरेशन धीरे धीरे बदलने लग गई वापस दुनिया किस तरह पड़ गई आज युद्ध हो रहा है आज रेप हो रहा है आज बॉम्ब हो रहा है आप देखिए आज हम दो में इधर बैठे हैं क्या हम वो डर को फील कर रहे हैं नहीं पर क्या पूरी तरह से कोविड खत्म हो गया है नहीं हुआ है सेम आप जाइए फरवरी 2022 में जितना डरा दिया गया था जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब क्या कहा गया था कि भैया ये तो एक महीने में यूक्रेन को खत्म कर देंगे आज हम उस युद्ध की बात भी नहीं कर रहे जबकि वो युद्ध अभी भी कंटिन्यू चल रहा है राइट समझ रहे और आज अगर पुटिन साहब बोलते भी है कि मैं न्यूक्लियर वेपन निकाल भी लूंगा तो हमको कोई डर ही नहीं है हम आज भी नॉर्मल आराम से जा रहे हो उसमें कोई बात भी नहीं कर रहा तो न्यूज इस हिसाब से बनाएगा कंट्रोल अब बड़े लोगों ने सोचा चलो न्यूज चैनल इसलिए आप देखोगे नोटिस करना आपके व्यूअर्स भी नोटिस करेंगे नरेशन वहीं से कंट्रोल हो गई तो ये हो गई फिर बोला चलो न्यूज से अब इनको थोड़ा कंट्रोल किया पर पूरा कंट्रोल करना है एट द एंड हम सब इनके हाथों की कटपुतली है मतलब हम क्या सोचेंगे वो डिसाइड कर रहे हैं हमको लग रहा है तो ये जो एक कंसेप्ट आजकल चला है, मैट्रिक्स आपने सुना होगा ना कि हम लोग मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं मूवी मूवी भी 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 आई थी। भी आई थी थी उसमें यही था माया जाल। माया जाल जाल वो में वही डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा था हम लोग उसको एंटरटेनमेंट में लेके चले गए बट वो रियलिटी थी हम लोग को डिसीव किया जा रहा है हम लोगों को एक अलग जगह उलझा दिया मैं बिल्कुल धीरे धीरे करके अपन रिसेंट एक्साम्पल पाएंगे टेलीविजन हो गया न्यूज हो गया उसके बाद बोले कि नहीं नहीं भैया अब इनको थोड़ा सा ना अब इनके समय को भी हमको निचोड़ना है तो इन्होंने निकाल दिया कि भैया एक घंटे का समय कैसे निचोड़ा जाए टेलीफोन इन्होंने निकाला टेलीफोन अब अचानक से क्या हो गया कि हम लोग जो रह सकते थे एक लिफाफा एक लेटर लिख के सात सात आठ आठ दिन का वेट कर सकते थे हमको इतनी तलब मचाई गई कि हमको हर दिन किसी को फोन करना पड़ेगा पंद्रह रुपए दे के पैसा भी बन रहा है और ये भी जा रहा है फिर उसके बाद बोला यार और, और कुछ करना पड़ेगा फिर लेके आ गई ये मोबाइल फोन और इंटरनेट अचानक से हमारे एक घंटे का समय अब तीन घंटे का समय इनके पास जाने लग गया फिर इनने लेके आया इस सदी का सबसे बड़ा वेपन भी बोल लीजिए और सबसे बड़ा ब्लेसिंग भी बोल लीजिए इंटरनेट सोशल मीडिया सोशल मीडिया और आप देख लीजिए आज तो आप अखबारों में पढ़ते होंगे काफी बार देखते होंगे कि ये छात्र दिन भर गेम खेलते खेलते इनको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया वहीं पर कोलैप्स हो गए या फिर एक व्यक्ति दिन भर वीडियोस देख रहे हैं आपने इस तरह के तो देखे ही होंगे पॉन के एडिक्ट हो चुके हैं काफी सारे बच्चे ये सारी चीजें देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है ये धीरे धीरे करके वो माइंड को पूरी तरीके से कंटेमिनेट करते जा रहे एक ना नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी अगर आपने सुना होगा आई थिंक सो सोशल डिलमा करके उसका नाम है जिसपे कि उन्होंने बताया था इंस्टाग्राम फेसबुक इन सबके छोड़ दी थीट्रोल मतलब तो तो कि किया जा सके ये कलर क्यों रखा जाता है लाल कलर क्यों रखा जाता है ब्लू कलर बिकॉज कलर कॉम्बिनेशन का भी इसमें गेम रहता है माइंड के साथ कैसे खेला जाए किस प्रकार से इंस्टाग्राम का काम ही यह है आपने एक चीज नोटिस करी होगी पता नहीं मेरे साथ तो होती है शायद आपके साथ भी होती होगी कि जब हमको फुर्सत मिलती है हम इंस्टाग्राम पे दो रील देखते हैं हमने दो अगर कुत्ते की रील देखी प्यारे से क्यूट क्यूटा तीसरा के उसी के रिलेटेड तीसरा वो है और हम बैठे सिर्फ पांच मिनट के टाइम पास के कि चलिए वो दूध आ रहा है हम थोड़ा सा देख लेते हैं तब तक गाड़ी आ रही है तब तक देख लेते हैं पता नहीं चलता वो पैंतीस मिनट कब हो जाते हैं मतलब पूरी कोशिश की जाती है कि आप उसको छोड़ के ना जाओ आप मैट्रिक्स में फंसे रहो टेक्निकली तो ये बना है सोशल मीडिया लेकिन अब भी इनको चैन नहीं आया लोगों को लग रहा है ना यहाँ पर अंत हो गया नहीं अंत नहीं हुआ है कैसे फिर इन्होंने निकाला नई चीज कि भाई अब धीरे 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 करके ना हम इनको रोबोट ही बनाएंगे कैसे अब चलते हैं इनके बॉडी पे अटैच होना शुरू हो जाते हैं एप्पल वॉच ओके क्या हो रहा है आप देखोगे काफी सारे लोग हैं फिटनेस के नाम पे रात भर उसी को पहन के सो रहे हैं बिकॉज गाइज हमको स्लीप रिदम चेक करना है mm -hmm. हमको हार्ट बीट चेक करना है आपने कभी सोचा एक एक बहुत ही अच्छी चीज चलती है जिसको मैं भी मानता हूं टेन थाउजेंड स्टेप चलना चाहिए American Health Association कहता है, है है, आप भी मानते कि अच्छी चीज़ यार 500 500 होती लेकिन है। है। हमने ये क्यों नहीं सोचा कि आज से दस साल पहले कोई क्यों ये exact चीज़ नहीं कहता था कि 10 स्टेप चलना है। हम आज से दस साल पहले क्या बोलते थे? चलना इज गुड फॉर हेल्थ ये हिस्टोरिकली कहा जाता है रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ ये हमेशा कहा जाता है लेकिन ये टेन थाउजेंड स्टेप वाला कि काउंट करना ये वाला तो नहीं आया था तो यू नेवर नो कि ये वाली चीज बोलने के लिए भी रिसर्चर्स को पे किया गया है रिसर्च कराई गई है एक्स्ट्रा ताकि ये चीज बिके बिकॉज देखिए स्टेप जब तक हम इसको वैल्यू नहीं देंगे तब तक तो कोई मेजर नहीं करेगा अब मेजर करने की बारी आई तो सबको पता है मैं माइंड में तो याद रख नहीं पाऊंगा यार कि आजा एक घंटा चला के आधा घंटा एक आध दिन हम कर सकते हैं बाकी दिन तो माइंड में कुछ ना कुछ चलेगा चलो यार एक फिटनेस वॉच तो मैं ले ही लेता हूं ये आ गया बॉडी में लेकिन अब भी इनका जीनी भरा है अभी धीरे धीरे पूरा रोबोट बनाएंगे हाथ पे आ गए पेसमेकर पे तो आ ही गए थे अब आपकी आंखों पे भी आ गए वो क्या है एप्पल विजन प्रो गूगल विजन प्रो और हाल फिलहाल में आपने अखबारों में भी देखा होगा और न्यूज आई थी जैसे एक हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि एक युवती बता रही थी कि मेटावर्स में जब वो पहन के बैठी हुई थी तो मेटावर्स में उनके साथ गैंग रेप हुआ ठीक है अब हैरानी की बात यह है कि सोचिए उनने आपको कितना हुक् कर दिया वो उस समय पर चश्मा निकाल भी तो सकती थी करेक्ट और डोंट टेल मी कि लड़की को मजा आ रहा था किसी लड़की को इस चीज में सोचने में भी मजा नहीं आएगा गैंगरेप में बट क्यों नहीं हो रहा तो आप समझ रहे किस लेवल का एडिक्ट कर रहे हैं तो एक लॉजिक हमेशा समझिए बड़ा इंसान सदियों से आपको किसी ना किसी तरीके से एडिक्ट करते आ रहा है आप खुद देखिएगा कमेंट्स में लोग आपके बता सकते हैं कि आज से पहले आज से तीन साल पहले उनका मोबाइल का वो क्या बोलते हैं वॉच टाइम बोलते हैं आई थिंक सो मोबाइल का कितना था वो बोलेंगे कि आधे घंटा या एक घंटा वही जब कॉल करते थे या जो था तीन साल पहले आज वो देख के बताएंगे मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके मैक्सिमम व्यूअर्स एटलीस्ट तीन घंटा लिखने वाले हैं तीन घंटा शायद कहीं ज्यादा मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं मिनिमम बोल रहा हूँ ताकि मान लीजिए मैंने इसमें वो भी इंक्लूड कर दिया फैक्ट्री वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं उसमें भी उनको ब्रेक मिला तब देखे तो आप देख रहे हैं किस हिसाब से कंट्रोल किया जा रहा है ये मेटावर्स का कंसेप्ट क्यों ला रहे थे ये लोग ताकि आपको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए तो ये बड़े लोग आपको तब तक कंट्रोल तो इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है स्पिरिचुअल साइड मैंने क्यों बोला स्टार्टिंग में क्योंकि इन सब का तोड़ना हमारे पौराणिक काल में दिया गया है थोड़ा अलग साइड में जाता हूँ और पौराणिक काल में ये दिया गया हुआ है हमारी मैं इसको हिस्ट्री बोलता हूँ ये माइथोलॉजी नहीं है शिव पुराण और ये सारी चीज़ें एंशेंट हिस्ट्री है ठीक है और रामायण महाभारत ये हमारी हिस्ट्री है ठीक है जस्ट बिकॉज कार्बन डेटिंग की एक लिमिटेशन है इसलिए हमको काफ़ी सारी एविडेंसेस नहीं मिल पाती है लेकिन अब साइंस प्रूफ करता है आपको भी पता है नासा ने वो ब्रिज निकाला तब जाके एक तो हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब तक फिरंगी वैलिडेशन नहीं देते ना ये मैंने बहुत जगह बोला आज भी बोलूंगा जब तक फिरंगी गोरी चमड़ी जाके वैलिडेशन नहीं देगा ना तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक नासा ने वो वो नहीं बताया था हमको हमारे बड़े बड़े साधु संतों उन पर विश्वास नहीं है हमारे जिन्हें लिखे उन पर विश्वास नहीं है लेकिन हाँ उनने बोला भैया ये ब्रिज बना हाँ ये बना है नासा ने कैप्चर कर लिया जब तक द्वारका के नीचे स्कूबा डाइवर्स जाके चेक नहीं के रिमेन्स है तब तक हम मानते नहीं थे कि नहीं ऐसा श्राप लगा था कि पूरा द्वारका डूब जाएगा कोई नहीं मानने को था अब मान रहे सबको सब कि नहीं यार जो टेक्स्ट लिखा था ये सारी चीज़ें सही है तो एक चीज आप नोटिस कीजिएगा हमारे पैन इंडिया ही नहीं ग्लोबली एक हमारे भगवान है जिनको हर कोई कहीं ना कहीं किसी रूप में पूजा करता है वो है शिवा अगर शिव। आप नोटिस करेंगे सबसे ज्यादा साउथ में भी है नॉर्थ में भी है मैं विथ रिस्पेक्ट सारे भगवान ग्रेट है बट हां शिवाजी की एक चीज होती है अगर आप टेक्निकली सोचे ना शिव जी ने सोल्यूशन सबको दिया हुआ है प्रॉब्लम है कि हम या तो बहुत ज्यादा रिलीजियस होते जा रहे हैं ठीक है या तो हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं बीच में प्रैक्टिकल होना भूल जा रहे हैं मैं बताता हूँ कैसे एक बात बताइए सागर जी बस नॉर्मल आपसे पूछ रहा हूँ आप मेडिटेट करते हैं क्या सच सच बताइए कम कम बहुत कम कम करते हैं कभी कभी करते हैं हाँ। लेकिन जब भी करते हैं अच्छा फील होता है अच्छा फील होता है अच्छा फील होता है, अच्छा है।, अच्छा है। क्लैरिटी आती है माइंड की पर आप आप कम करते हैं आपको क्लैरिटी फील आती है लेकिन आपने लोगों के किस्से सुनोगे देखे होंगे कि मेडिटेशन ने उनको बहुत हेल्प किया है करेक्ट साइंस भी अप्रूव कर रहा है कि भाई मेडिटेशन से लोगों के हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं मेडिटेशन से माइंड काम रह रहा है आज की सदी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेस उससे लड़ा जा रहा है यही सारे तो आश्रमों में भी सिखाया जा रहा है इवन जैसे ईशा फाउंडेशन सदगुरु जी का हो गया या फिर आर्ट ऑफ लिविंग हो गया हमारे श्री श्री रविशंकर जी का वहां पर भी एक तरीके से मेडिटेशन तो सिखाया ही जा रहा है ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है प्रोडक्टिव हो जाता है।, है शार्प हो जा रहा है जस्ट इमेजिन कीजिए आपने जितने भी लोगों से सुना है वो सिर्फ दस पंद्रह मिनट मेडिटेट कर रहे हैं उतने में इतना शार्पनेस आ रहा है इतना क्लैरिटी आ रहा है जो आधा एक घंटे कर रहे हैं वो लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन जो आजकल बहुत चल रहा है उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है जो चीज शायद मेरे को चार साल बाद मिलने वाली थी वो दो साल में मिल रही है बिकॉज आई एम अ गुड मेडिटेटर मैं पॉजिटिव थॉट्स मेरे को आ जा रहे हैं ठीक है थीके? इस तरह से भी हमने किससे सुने फिर आपने सुना होगा कि जो मेडिटेट कर रहे हैं वो उनके लाइफ में जितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए बैंक भी आ जाए वो कूल काम रहते है दो साल में निकल जाते करेक्ट आपने ये सिखाया तो आप जस्ट सोचिए जो आधे घंटे कर रहे हैं पंद्रह मिनट कर रहे हैं उनको मेडिटेशन से इतना ज्यादा पावर मिल रहा है तो शिव जी तो सदियों से कर रहे हैं वो तो सालों साल लगे रहते हैं सालों साल ये तो हमारे सारे ग्रंथों में भी लिखा है तो ये अगर रेशनल माइंड से देखा जाए तो शिव जी तो इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को सोल्यूशन बता चुके थे कि बॉस पूरे कॉटिक वर्ल्ड में सल्यूशन यही है जो मैं करता हूं माइंड को काम करने वाला ध्यान और वो हमेशा उसी मुद्रा में रहते हैं और अब आप ये लॉजिक समझो वो देवों के देव महादेव क्यों है मल्टीपल रीजन है मेरे रिलीजियस और वो शिवपुराण मैंने भी पढ़ी हुई है मैं उस एंगल से नहीं जा रहा हूँ बट अगर मैं लॉजिकल माइंड से क्योंकि क्या होता है आजकल काफी सारे यंगस्टर लॉजिकल हो गए तो भाई साहब लॉजिकल माइंड के हिसाब से वो देवों के देव महादेव इतने पावरफुल क्यों है क्योंकि पंद्रह मिनट का मेडिटेशन अगर आपके हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है अगर तीस मिनट का रोज मेडिटेशन आपके स्ट्रेस सोल्व कर रहा है एक घंटे का मैनिफेस्टेशन अब मैनिफेस्टेशन आपको करवा रहा है तो सदियों वाली चीज़ क्या कर रही होगी? भैया ये, मतलब आप exactly. तो 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 है है। ये तो सिर्फ इंडिया में चलता है तो मैं आप लोगों का मिथ ब्रेक कर देता हूँ टोनी रोबिंस के बारे में आपने सुना है? बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और वो रिचेस्ट मोटिवेशनल कोच है बाई है

जिसमें टोनी रोबिंस का ना एक फ्लैगशिप कोई प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा सा जिस पे वो अंगारों पे भी चलाते हैं लोगों को और आपने सुना होगा हाँ कि हाँ हाँ बहुत महंगी मतलब लाखों के तादाद में लोग आते हैं और दो दो तीन तीन, -तीन लाख की टिकट बिकती है एक एक टिकट मतलब वो आपने सुना होगा हाँ बहुत खतरनाक क्रेज होता है और उसमें टोनी रोबिंस अठारह घंटे नॉन स्टॉप स्टेज पे रहते हैं बिल्कुल मतलब चिल्ला चोट नाच गाना बिल्कुल एनर्जी फुल पैक रहती है हाई एनर्जी रहती है ठीक है उसमें मैंने सिर्फ एक चीज नोटिस करी पता है क्या है उनका एक सेशन चल रहा था उन्होंने वो मीडिया राइट दे दी कि चलो ठीक है मैं सारा कैप्चर करने नहीं दूंगा क्योंकि उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है थोड़ा थोड़ा अंश कर लो क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बनाएंगे तो मुझे भेज देना कॉपी मेरे को जो सही लगेगा वो मैं अप्रूव कर दूंगा जो नहीं लगेगा फिर अपन पब्लिश कर देंगे वो आया उसके करीब सेवेंटी जब पूरी उनने दिखाया किस तरह लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन हो रहा है किस तरह लोग आ रहे हैं सेवेंटी खत्म हुआ सारे लोग एक जगह पर बैठे हैं टोनी रॉबिन सामने खड़े हैं सारे फिरंगी लोग बैठे हुए हैं टोनी रॉबिन उनको क्या सिखा रहे पता है मेडिटेशन विद गायत्री मंत्र अच्छा आप सोचिए वो बंदा उधर बैठ के गायत्री मंत्र सिखा सकता है पे आई लाइक मेरे गए घूस ये क्या करा रहे भाई साहब ये हमारी चीज है और हम लोग उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे दैट इज वाई टोनी रॉबिन्स को इतने सारे सीओ लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो उनको माया जाल से मैट्रिक्स से निकाल के रखता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग देता है बिल गेट्स का एक बहुत सिंपल सा एक फंडा है बिल गेट्स हर साल में चालीस दिन के लिए एकांत में चले जाते हैं जहाँ ना उनके पास मोबाइल रहता है ना लैपटॉप रहता है ना कोई कंप्यूटर रहता है ये एक जगह पर ले जाते हैं जहां पर जाके ये बैठते हैं ताकि उनका पूरा फोकस रहे नो टेक्नोलॉजी बट टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन हम लोग कितने ज्यादा इनके कंट्रोल पे आ गए मैं आपके ऑडियंस से पूछूंगा अगर वो कमेंट्स में बता सके कि आज के दिन पे अगर मैं चार दिन के लिए इन सब का फोन छीन लू और आपके पास इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप कैसा फील करेंगे पागलपन सा आपने बोला कि इसको हमको सीखना क्या है हमारी पब्लिक क्या सीख सकती है कि अब जब हमको ये फैक्ट पता लग गए और मैंने विद फैक्ट्स बताए हुए विद ऑल मैंने स्पिरिचुअल एंगल भी बताया हुआ है प्रैक्टिकल एंगल भी बताया तो इट्स हाई टाइम कि हम आद, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक कंसेप्ट होता है जो मेरा कंसेप्ट नहीं है ये आई थिंक सदगुरु जी का भी कंसेप्ट है और दो तीन जगह का कंसेप्ट है इसको कहते हैं अंडर कवर योगी आपने सुना है कभी नहीं ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है हम लोगों को लगता है ना कि आज के समय पे देखिए कुछ भी कहिए सागर जी आप और मैं मोह माया के बंधनों में ना हम अपने कुछ नहीं करते सिंपल सी बात है थोड़े बहुत काम झाम नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है जो संत आदमी होता है ना वो उसको कुछ भी ये चीज चाहिए नहीं गलत है आप देखिए हमारे पुराने काफी सारे ऋषि थे टेक्निकली तो उन्होंने भी तो शादियां करी थी ना करी थी बिल्कुल उन्होंने गृहस्थ करा था ठीक है वो जंगल में रहते थे दैट वाज डिफरेंट बट उन्होंने करी थी तो अंडर कवर योगी ऐसा कंसेप्ट है जो आज के समय पे सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है अब देखिए अंडर कवर एजेंट आपने सुना होगा रॉके एजेंट अंडर कवर एजेंट होते सी आई के अंडर कवर एजेंट होते अंडर कवर कौन होता है कि वो सारे काम के कर रहा है लेकिन वो आपके बीच में बैंक का एम्प्लॉय बन के भी बैठा हुआ है आपको पता नहीं चल रहा करेक्ट तो अंडर कवर योगी भी ऐसा है और ऐसे काफी सारे बिलियनर्स है हमारे दुनिया में वो लोग क्या करेंगे वो लोग योगिक के सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं okay. शांति है। सबके अपने अपने तो आप टिम कुक का एग्जाम्पल ले लीजिए टिम कुक को चार बजे सुबह उठने की क्या जरूरत है भैया वो एप्पल है यार एप्पल का मालिक है वो कभी भी उठे चिल मारे उसके उसके इतने सारे वो बंदा उठता है चार बजे चार बजे उठने के बाद अपनी छोटी सी ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद तीस मिनट का उनका वर्कआउट है वर्कआउट के चलते चलते वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? उसके साथ साथ फिर वो जॉगिंग पे निकल जाते क्योंकि वो कुछ एंडोरफिनस नाम की एक अच्छी चीज़ होती है जो रिलीज़ होती है हैप्पी हार्मोन वो कर लेते हैं एक घंटे अपने बॉडी को दे देते हैं तीस मिनट अपने माइंड को दे देते हैं उसके बाद चलते चलते थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं उसके बाद सीधे ऑफिस पहुंच जाते हैं सुबह छः साढ़े छः बजे उसके बाद डेढ़ दो घंटे अपने सारे मेल्स देख लेते मेल्स का रिप्लाई कर देते हैं इनका आधा काम यहीं पर हो गया अब एक चीज समझिए इन्होंने क्या किया इन्होंने पहले दो तीन घंटे अपने आप को दे दिए अंडर कवर योगी वही है जो अपने आप को छुपके से एक योगी की तरह प्रिपेयर करते जा रहा है अपने माइंड को सुबह सुबह कंट्रोल करके चल रहा है प्रिपेयर करके चल रहा है ताकि दिन भर के सारे बैटल्स में लड़ पड़ो खतरनाक अमेजिंग सो मैं ये कहूंगा कि आपकी जो पब्लिक है स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं हाउसवाइफ हो सकते हैं जॉब वाले हो सकते हैं प्रोफेशनल्स हो सकते हैं क्या हम इतना नहीं कर सकते अच्छा और कुछ लोग या टाइम नहीं है या आपने आजकल बहुत सुना होगा ना टाइम नहीं है टाइम है दस मिनट आपके पास चौबीस घंटे में से नहीं है ये कह नहीं सकते मैं स्टूडेंट्स से सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ मैं कभी जैसे मान लीजिए अभी बीच में है मतलब आई बिन इन्वाइटेड इन टू नाइन आई आई और मैंने उनमें से तीन आई में ऑफ द स्पीचेस मैंने ये सवाल पूछा भाई ये तुम लोगों के पास सर टाइम नहीं है टाइम नहीं है मैं उनको सीधा सा गणित गिनाता हूँ चौबीस घंटे हैं ठीक है स्टूडेंट लाइफ में तो बोलते हैं आपको छः से सात घंटे ही सोने चाहिए चलो आप आठ घंटे सोते हो क्योंकि आठ घंटा जरूरी है आजकल काफी रिसर्च निकल गया आप आठ घंटे सोते हो सोलह घंटे बचे रेसिडेंशियल वालों की बात करो तो आपको ट्रैवल भी नहीं करना इधर कि भैया दूर से जा रहे हैं रेसिडेंशियल कैंपस सोलह घंटे है सोलह घंटे मैंने बोले आपके क्लासेस कितने देर लग रहे हैं सर बोले आठ घंटे आठ घंटे लग गए बोले रोज बहुत पढ़ाई करते हो अरे सर अब तो फिर थकी जाते हो उसके बाद क्या एक दो घंटे बीच में पढ़ लेते हैं बोले दस घंटे और चले गए तो ये बाकी छः सात घंटे जो हैं क्या सात घंटे तक तुम नहाते रहते हो सात घंटे तक तुम खाते रहते हो तो इन सात घंटे से अगर आप आधे घंटे नहीं निकाल पा रहे हो तो सॉरी टू से फिर तो आप इस दुनिया में सक्सेस के लिए बने ही नहीं हो बने नहीं बने ही नहीं हो तो पॉइंट ये है कि सबका एक तरीका अलग होगा सागर जी कोई कि किसी के लिए वो 40 मिनट्स में 20 मिनट्स हो सकता है इनफॉर्मेटिव पॉडकास्ट को कंज्यूम करना और 20 मिनट्स मेडिटेशन किसी के लिए होगा कि मैं 15 मिनट्स साधना कुछ करूंगा वैसे साधना के लिए तो ज्यादा टाइम लगता है एंड इसके लिए बेटर टीचर्स uh, होंगे जो इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं आई एम नॉट द बेस्ट टीचर फॉर दैट बट कोई कुछ लोग उस अमाउंट को साधना पे लगाएंगे कुछ लोग होंगे जो उसमें सिर्फ बुक पढ़ेंगे कुछ लोगों को उसमें मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे बिकॉज एक वो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है जैसे मैं इफ यू डोंट माइंड मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहूँगा यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल है ना तो एक बार क्या हो गया था कि जैसे टोनी रॉबिन्स

एक इंटरेस्टिंग मैं लोगों को को बताता हूं कि किस प्रकार से से ये पॉपुलर हुए। सारा गेम माइंड 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 का 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 है। है, है मतलब आज अगर डार्क साइड निकलना है, उजाला जो ना, वो ही है। और को कंट्रोल करने वन ऑफ़ द बेस्ट तरीका मेडिटेशन। बट आर अदर तो टोनी तो अपने गुरु

हम तो आज से तीस चालीस साल पहले की बात कर रहे हैं एक यंग सा बंदा तेईस चौबीस साल का लड़का है कौन ही इसके सेशंस में आएगा वो भी मोटिवेशन माइंडसेट साइकोलॉजी इसको तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है आज जाके ना लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है तब तो कोई नहीं सोचता था तो ये बोले क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए तो इनने ना दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी पहले इन्होंने एक अखबार में छपवा दिया कि बॉस सांप से अगर डर लगता है क्योंकि उस समय पे यूएस में बहुत लोगों को सांपों से सा डर लगता, तो लगता तो तो न्यूज पे छपाया एक स्ट्रीट पे वहां की मेन स्ट्रीट पे लोगों को बुलाया तो लोगों ने बोला हमको सांप से डर लगता है सामने उनने सांप छोड़ा और उन्होंने अपनी जो भी प्रैक्टिस है उनको माइंडसेट बिल्डिंग करा सबके सामने जहां पर मीडिया वाले थे और उसके बाद उन्हीं के आसपास सांप घूम रहे थे लेकिन उनको कोई डर नहीं है गर्दन में भी घुमा दिया ये कर दिया ऐसा करके तो लोगों ने ताली बजाई पहला थोड़ा रेपूटेशन बना न्यूज़ पेपर में छापा लेकिन इनको लगा इतना आसान होगा इतना आसान था नहीं एक डॉक्टर बैठे बैठे ये अखबार पढ़ रहा था और ये डॉक्टर लोग कुछ कुछ का ईगो थोड़ा ज़्यादा रहता है तो बोला भैया ये ऐसे कैसे कर सकते हैं ये झूठ कर रहा है ये इसके पेड आर्टिस्ट थे कौन कौन लोग तो होते ही है ना ये तो तो ये बोला भैया ये तुमने गलत करा हुआ है मैं तुमको चैलेंज करता हूँ उनने न्यूज़ पेपर में अपना छपाया कि टोनी रॉबिन्स फर्जी इंसान है इसने खुद के लोगों को पे किया है मैं इसको चैलेंज करता हूँ क्योंकि उस डॉक्टर की एक क्लाइंट थी उस क्लाइंट को स्नेक्स का फोबिया था और पाँच साल से ये डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं कर पाया था मेडिकेशन वेडिकेशन सब चल रहा था लेकिन सांप के फोबिया से वो निकल ही नहीं पा रही थी और वो लड़की निकलना चाहती थी डेस्परेटली मैडम थी कोई तो वो निकल रही थी इसने अखबार में छपा दिया मैं इस पर तभी विश्वास करूंगा जब इसके इसको ट्रीट कर ट्रीट कर दे तो इसे ना दो फायदे थे पहली चीज ये दिखाने में कुछ कुछ मजा आता ना देखा ढोंगी बाबा को पकड़ लिया क्योंकि इनको पता है साइंस जब नहीं ठीक कर पाई ये क्या ठीक करेंगे ठीक है टोनी रॉबिन्स पहले तो थोड़ा डरा क्योंकि देखो रेपुटेशन की बात है और ये इतना रिस्पेक्टेड डॉक्टर था जिसके बारे में हर कोई चर्चा करते वो टोनी रॉबिन्स सोचा सोचा लेकिन उसने दूसरे आंकड़े से भी सोचा कि इस डॉक्टर के इस बोलने के बाद अब भीड़ तो खतरनाक आएगी जो न्यूज़पेपर वाला नहीं भी आना चाहता है वो भी आएगा इसको कवर करने अगर मैंने सही में कर दिया तो कैसा रहेगा और उन्होंने ये न्योता मतलब तो निकल, पड़ेगी। निकल पड़ेगी तो माहौल होता है वो दिन आ जाता है जिस दिन दोनों उधर है डॉक्टर अपने क्लाइंट को लेके आते हैं तो टोनी रोबिन साहब को लेकर आते हैं अजगर को लेके आते हैं पूरी पब्लिक घेरी खड़ी है ये सब रियल किसा ये एकदम रियल है पूरी पब्लिक घेर के खड़ी हुई है अब टोनी रॉबिन सीधे उधर देखते हैं लड़की को बुलाते हैं उनसे जो भी है मतलब आई डोंट नो वट वॉज द एग्जैक्ट प्रोसेस ही ही ऑब्वियसली रिवील दैट बिकॉज वो उनका जो भी था एंड पंद्रह मिनट बाद वो लड़की उस अजगर को अपने गर्दन में लेके घूम रही है सम माइट से हिप्नोसिस सम माइट से एनीथिंग एल्स बट बाद में पता लगा इस दिन के बाद से उस लड़की के सांप का डर हट चुका

अभी मेरे दोस्त का एक किस्सा बताता हूँ उसी ने मेरे को बताया तो मैंने नोट नहीं किया था क्योंकि वो हाल फिलहाल में मतलब इन्फ्लुएंसर ही है तो तो साल भर के अंदर दोस्त बने तो मैं ऐसे ही उनके साथ चाय पी रहा था तो मैंने देखा अचानक से कि उनकी एक उंगली नहीं है अच्छा तो मैं बोला यार ऋतिक रोशन पता था उंगली एक्स्ट्रा थी इनकी तो उंगली नहीं है ये क्या सीन है तुम नाम ले सकते हो योगेश है

जा रहे थे अः ये जोस्टल्स आपको पता होंगे होस्टल जैसे जोस्टल्स होते हैं तो अच्छा। जोस्टल्स आजकल होस्टल के फैशन पे तो जैसे सोलो ट्रैवलर्स आजकल बहुत बढ़ गए ना तो अब सोलो ट्रैवलर जाते हैं तो वो होटल उनको महंगा पड़ेगा प्लस लड़कियां भी हो गए इनमें लड़के थोड़े इनसिक्योर्ड फील करते हैं कि अकेले हम कैसे रहें तो थोड़ा अगर ग्रुप मिल जाए भले ही नया ग्रुप हो बट सिक्योर्ड ग्रुप मिल जाए तो मज़ा आ जाए तो जोस्टल्स के काफी कंसेप्ट बने हैं इंडिया में तो जोस्टल इज़ लाइक हॉस्टल जो घूमने वालों के लिए कि भैया बैग लिए घुस गए तो वहाँ पर कोई बिहार के बंदे मिल जाएंगे कोई दिल्ली का बंदा मिल जाएगा लड़कियों का अग मिलेगा लड़कों का अलग तो एक जेलिंग भी हो जाती नए दोस्त भी बन जाते इस तरह से तो योगेश जा रहे थे कहीं घूमने साउथ में तो वहाँ के जोस्टल पे वो जा रहे थे तो ड्राइव कर रहे थे रास्ते में उसी होस्टल में जाने वाले उनको तीन अच्छे और मिल गए आई थिंक दो लड़कियां एक लड़के मिल गए तो बोले हाँ चलो आ जाओ साथ में आया मैं ड्राइविंग पीछे खाली लिए बैठो चलते हैं अब क्या होता है कभी कभार किस्मत ने आपके लिए क्या लिखा है यू नेवर नो एकदम जोस्टल के पास पहुंचे हुए और ये ये बहुत बहुत बढ़िया लोकेशन लोकेशन है यूजुअली और ये जोस्टल्स का मैं प्रमोशन नहीं पहली बता हमको कोई पैसा नहीं दिया ये क्या हो गया कि ये बिल्कुल अपने उस जगह पे पहुंच रहे हैं और ये बिल्कुल वादियों वाला एरिया मतलब घाई वादी इस तरह से एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचने के पहले आपको जैसे आपने देखा देखो ना कुछ होटल्स में आपको 200 सौ मीटर ऊपर जाना रहता है ऐसा एटलीस्ट मीटर्स क्लाइम क्लाइम मतलब करके जाना पड़ता है कार को जैसे ऋषिकेश साइड पे होता, होता है इस तरह से तो बस वो 200 मीटर पे था अचानक से कुछ ब्रेक फेलियर हो जाता है अब इनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है या तो वो इस तरफ जाएंगे इस तरफ है घाई परमानेंट डेथ है या तो इस तरफ इस तरफ क्या है इस तरफ है पेड़ और फिर घाई कुछ तो चांस है हाँ बचने का तो योगेश भाई फटाफट एट द निक ऑफ द टाइम ब्रेक फेल्स हो चुके हैं उनको नहीं पता क्या करना है ही डिसाइड्स टू गो ऑन दिस साइड पेड़ वाली साइड पेड़ वाली साइड पेड़ वाली साइड जाते जाते गाड़ी पलट जाती है ठीक है और गाड़ी पूरी तरह पलट गई बट हाँ बच गई इट हैज नॉट गॉन तीनों बंदे पीछे से निकलते मतलब लड़कियाँ और लड़के पीछे निकलते हैं स्ट्रेंजली उनको हल्के फुल्के खर आई है कुछ भी नहीं हुआ है योगेश भी बाहर निकलता है और ऊपर आके आप लोग बिल्कुल ठीक हो ना सब कुछ सही है ना तो बोले हाँ हाँ आर यू हाँ, हाँ मैं है। अचानक से एक लड़की वही चिल्ला देती है तो योगेश सब, क्या हो गया तो बोले सी योगेश की उंगली कट चुकी थी उसको पता भी नहीं था खून बह रहा था बट द मोमेंट शी सेट योगेश के माइंड पे ट्रिगर हुआ एंड अचानक से दिस इज योगेश वर्ड ही स्टार्टेड फीलिंग दैट पीन मतलब फॉर दैट टू मिनट्स योगेश को ध्यान भी नहीं था उसकी उंगली कट गई थी एंड दैट मेड मी रियलाइज जब हम ये बॉर्डर की कहानी सुनते हैं या सियाचिन में हमारे आर्मी वालों की कहानी सुनते हैं जिनका पैर भी कट जाता है इनिशियली उनको पता भी नहीं चलता वो गोलियां चलाते हैं बट स्टिल उसके बाद भी वो लड़ते रहते हैं दैट मेक्स मी रियलाइज कि हमारा माइंड किस तरह हमारे साथ ट्रिक्स खेल रहा है जब तक योगेश को नहीं पता था ये वाली बात तब तक ये नहीं था और ये तो यार देखिए सागर जी आप भी मानेंगे आप भी जब भी जीवन में किसी समस्या से जूझे अपने माइंड को आपने स्ट्रांग बनाया तभी आप उस चीज से निकल पाए माइंड में अगर नेगेटिविटी नेगेटिविटी भरी है तो आप कभी भी किसी भी परेशानी से नहीं निकल सकते जब पॉजिटिव बनाया है स्ट्रांग बनाया है तो ये वाली चीज है तो ये मतलब ये योगेश भाई की कहानी थी जिसपे कि मेरे को फिर हाँ फिर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि वो फिंगर लेके हॉस्पिटल भी गए और हॉस्पिटल में उन्होंने बताया कुछ तो एक वो रहता है कि दो घंटे या एक घंटे का कुछ एक वो रहता है कि अगर ये रेड हो गया तो मतलब आपकी ये उंगली को वापस अटैच किया जा सकता है विद समथिंग आई डोंट नो द सर्जिकल थिंग्स और अगर ये ब्लैक हो गया तो अनफॉर्चुनेटली तो वो मतलब कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि मैंटल लेवल का पेन दुख वो सब तो ठीक है

तो हमको ब्रेन वॉश ऐसे करा दिया गया कि तुम आई आए आई टी आई एम जाओगे तो ही अच्छा कर पाओगे तुम ये कर पाओगे पर आप देखो सिंपल अगर सक्सेस की लिस्ट की बात बताओ सबसे बढ़िया हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पूरी तरीके से नहीं पढ़े हैं सबसे बढ़िया एक्टर कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है डिबेटेबल हो सकता है ये तो किसी के लिए कोई होगा किसी को हो, और लेट्स कंसिडर सलमान खान वो भी पूरी तरीके से नहीं पढ़े गए सबसे बढ़िया क्रिकेटर अगर पूरी तरीके से बोल जाए तो हमने सचिन तेंदुलकर बोल दिया सबसे बड़ी हमारे एक्टर बोल दिया हमने सलमान खान बोल दिया उसके बाद बोलेगा तो सर डी मार्ट की बात कर रहा हूँ वो खुद ड्रॉप आउट है बोलेगा अरे नहीं नहीं तुम ये तो भैया आप टेक्निकली देखो हमको पढ़ने के लिए इतना ज्यादा क्यों कहा जाता है क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब हाँ अकेलोगे कूदोगे खराब खराब ठीक है तो नवाब मतलब सक्सेस तो ये आपने सक्सेस वाली चीज देखी हुई है और आप हमने जैसे ये नोटिस करा हुआ है कि कहा जाता है ना आई आई मतलब सक्सेस लेकिन आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी की बात है सौरभ कुमार लाडा उम्र पच्चीस साल आई कुमार लाडा उम्र पच्चीस साल आई के पास आउट आई के बाद आई किया हुआ है उसके बाद सी किया हुआ है एन किया हुआ है मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट डिग्रीज कर रही है हर जगह से पास आउट हो गए बिग फोर में काम कर रहे हैं मतलब तगड़ी जॉब कंसल्टेंट की नौकरी है और भी तगड़ी चीज सब कुछ है धन आ रहा है नाम है पैसा है बचपन से स्कॉलर है पच्चीस साल की उम्र में दुर्भाग्यवश सुसाइड कर क्या कारण सक्सेस तो था उनके पास काफी लोग अभी कहेंगे ये डिबेटेबल कि हो सकता है कि वर्क प्रेशर था ये वाली कंपनियां बहुत क्रूर होती हैं ये काम कराती हैं देखिए रियल रीजन तो यही है मन स्ट्रांग नहीं है लोगों का और सिखाया हमको जो गलत जा रहा है जब वो अचानक से रियलाइजेशन होता है तो दो इंसान दो ही चीज करता है या तो वो गिव अप कर देता है है इन दैट केस आपको क्यों लगता है? कोटा के आपने वो वो फैक्ट्स देखे होंगे ना कई सारे सुसाइड एवरी ईयर पर वो तो बच्चा पढ़ने जा रहा है क्यों क्योंकि अचानक से उसके दिमाग में भरा रहता है बेटा तू तो कोटा जाएगा तो आई क्रैक कर लेगा लेकिन वो बंदा जब कोटा पहुंचता है तो बोलता है भाई यही कहानी तो लाखों फैमिलीज ने अपने बच्चों को दी हुए इतने तो सीट नहीं है आई आई में वो जब उसको रियलाइज होता है तब उसके पास दो ऑप्शन रहता है या तो वो गिव अप करने की कोशिश करता है जब वो प्रेशर सहन नहीं कर पाता या तो फिर वो पूरी तरीके से उठता है और अपने माइंड को चेंज करता है कि भाई मुझे आज तक जो सिखाया गया है मेरे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग बचपन से की गई है वो उनका इंटेंट गलत नहीं था घर वालों का रिलेटिव्स का इंटेंट गलत नहीं था लेकिन गलत प्रोग्रामिंग करी गई है सोसाइटी से मैं अब इसको तोड़ूंगा

तो बहुत बार तो मैं खुद उठ जाऊंगा कभी कभार एक कंधे का सहारा चाहिए रहता है वो होता है वो मोटिवेशनल स्पीकर सिंपल एज दैट तो आ, ये अगेन अपन आते हैं हमारे टोनी रॉबिंस वाले भाई साहब के क्योंकि हम तो हम काफी सारे एंगल्स पे आते हैं हाँ सक्सेस हाँ। पे आ गए लेकिन टोनी रॉबिंस रह गए तो टोनी रॉबिंस की कहानी के बाद वापस आ जाएंगे ठीक है। तो टोनी रॉबिंस सांप वाली चीज पे तो जीत गए अब धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी बढ़ गई तो अब ना इनके सेशंस तो फुल होने लग गए थे और फीडबैक अच्छे आते हैं तो आपको भी पता है अब करता हूं फिर से। अभी तक बड़े तो, दो आपने दूसरा आपने टोनी रॉबिन्स वाला बताया कि अजगर सांप वो लड़की लेके घूमने लग गई इस तरीके से उसका फोबिया खत्म हुआ Absolutely. तो आप देखिए माइंड का पावर फिर टोनी रॉबिन्स धीरे 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 बहुत विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर बन गए अब टोनी रॉबिन्स ने ये चीज देखी कि यार पब्लिक तो मेरे पास आ गई लेकिन मेरी उम्र अभी भी कम है अब वो 25-26 साल के हो गए ये बड़े बड़े लोग मतलब देखिए बड़े लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक मेरे को बड़ा वैलिडेशन नहीं मिलेगा बड़े लोग मतलब कॉर्पोरेट वाले मिलियन पैसे वाले एग्जैक्टली मेन पैसे वाले लोग, लोग पैसे तो ये सोचे यार इनको क्या किया जाए तो इन्होंने ना ट्राई बहुत किया कि पुराने देखिए उस समय पे तो क्या होता था तो वो इंडस्ट्री वाले जो लोग हो गए जो आ, मतलब साठ साल के होंगे सत्तर साल के होंगे जो सेठ लोग जो बोलते थे ब, इंडस्ट्री चला रहे तो वो तो एक बच्चे के पास तो वो क्योंकि उनका ईगो आ जाता है ना तो ये सोचे क्या तो बच्चा, किया सिखाएगा बच्चा सिखाएगा तो उस समय पे धीरे 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 कंप्यूटर का बड़ा कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर ये वाला एरा चल रहा था तो उसी कंप्यूटर एरा के कुछ तीन मिलियनर निकले थे दोस्त तीनों को अपने अलग अलग फियर थे जैसे वो आपने मूवी देखिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा उसमें तीनों दोस्तों के एक अलग अलग फियर रहते हैं तो तीनों के अलग फियर रहते हैं लेजेट उसी तरह के, के एक का रहता है हाइट का फियर रहता है एक का वाटर का फियर रहता है और एक तीसरा मैं भूल जा रहा हूँ कुछ तो भी एक फियर रहता है तो तीनों को ये अप्रोच करता है दोस्त हैं अलग अलग कंपनियाँ देख रहे हैं तो बोले बॉस मैं तुम तीनों का फियर हटा दूंगा तो ये तीनों डिस्कस करते हैं और यंग माइंड होता है ना वो थोड़ा एडवेंचरस होता है यंग मतलब 30, 30 तक सैटरडे तक तो संडे तो है। तो देखते हैं क्या करते हैं अरे तो चलो ठीक है तो इसमें एक सिंपल सा ये चीज कहता है कि भैया आपको पूरे बाहरी दुनिया से कटना है मतलब आप किसी से किसी को साथ नहीं ला सकते आपका कुक आएगा मेरी बीवी आएगी मेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना फोन वोन वाला सीन तो भूल ही जाओ आपको सिर्फ तब तो कुछ वॉकी या इस तरह से ही आया था कुछ बड़े लोगों के पास वो वाला सीन तो बोले मना कर दिया बोले ठीक है भाई तो बोले भाई अगर तू किडनैप विडनैप करके ले गया तो तो बोले नहीं वो आप एग्रीमेंट वेग्रीमेंट करवा लो आपके जो सगे संबंधी सबको बता दो मेरे साथ गए मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन कनेक्ट नहीं करेंगे हम सीधे चौथे दिन आएंगे फिर सबसे कनेक्ट करेंगे एंड लेट्स सी क्या चेंज होते हैं ले गए अब टोनी रॉबिन्स ने मेन चीज क्या करी पूरे प्रोसेस में जब तक वो रास्ते में जा भी रहे हैं जो जिस जहाज से जा रहे हैं पूरे टाइम वो उनके माइंड को ना इंडिविजुअल एक एक वन ऑन वन सेशन करके वन ऑन वन सेशन करके पॉजिटिविटी के साथ भरने लग गए अपने स्टाइल से जिसको वो देख रहे थे कि अच्छा इसका ये बिहेवियर चल रहा है तो इसको इस तरह से करना है इसको ये करना है उनको कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए दी कि भाई तुम ये चीज़ आज रात को पढ़ना है क्योंकि देखो बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ये सारी चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी किसी को पढ़ने के लिए दी किसी के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी पहुँचने के पहले करवाई फिर पहुँचने वाले दिन पहले दिन शुरू हुआ कि जिसको पानी से डर लगता है बोले मेरे को इतना डर लगता है मेरे घर पे स्विमिंग पूल है मैं स्विमिंग पूल पे नहीं जाता बोले अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं तो एकदम पूरा हाइटेड जगह पे लेके जाते हैं तो वो दूसरा वाले को हाइट का डर है ठीक है तो सबको लगता है कि अरे ये तो हाइट वाले का सीन होगा देखते हैं लिटिल डिड दे नो कि तीनों मजे में जा रहे हैं बिल्कुल माइंड के साथ ये एक्चुअली वो पहले जिसको पानी वाला डर था ना उसी के लिए था ये एक वाटरफॉल पे आ गए और सामने वाले को बोलते कूदो किसको जिसको पानी का डर था तो वो बोला भैया ये क्या सीन है भाई ये तो उल्टा हो गया अब अचानक से अभी तक सब हंस खेल के जा रहे थे कि भले ये तो दूसरे वाले का गेम होगा ये तो अपना ही नंबर आ गया हमको पानी से डर लगता है बट इसको हाइट से नहीं पानी से डर ठीक है इसका पूरा क्लियर पहले आप कूदो कुछ भी नहीं होगा मेरी गारंटी है मैं आपको नीचे आके बचाऊंगा और टोनी रॉबिन्स पहले नीचे चले गए ये बंदा कूदा ठीक है और इसी टाइम पे जब ये पानी पे थे इन्होंने बोला बस आपको यहाँ पर पाँच मिनट किसी तरह रुको वो बीच में पहले एक दो बार नहीं हो सकता नहीं हो सकता मेरे को बड़ा वो हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली mm. एक फोबिया है कुदा तो दिया है अब वो बोले अब फंस तो गए हम इस चीज पे लेकिन mm. वो पांच मिनट तक तो उनके करा पांच मिनट बाद उनको अचानक से एक अलग फीलिंग आई यार ठीक है प्लस इन्होंने कुछ कुछ तो इनके वर्ड्स से जो रिपीट कराया आई थिंक उसको अफर्मेशन या जो भी कहते हैं वो चीज उनको करवाई एंड देन सडनली वॉज लाइक विद इन फाइव अ स्विच इन माइंड ही कुड कम आउट ऑफ दैट फ्यर ऑफ वॉटर और एक एक करके इन तीनों का क्योंकि मैं अब डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा जाएगा एक एक करके तीनों का किया तो अब जब ये कॉन्फिडेंस तो जब आता है ना तो इंसान को लगता है मैं दुनिया को जीत सकता हूँ आदमी एक चीज को जीत गया तो फिर वो सौ की ताकत मिल जाती है exactly. और वही चीज बिल्कुल वो बैक टू बैक कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है तो ये हर जगह जीतने लग गए तो टोनी रॉबिन्स को अब थप्पा मिल गया अब इंडस्ट्रियलिस्ट आने लग गए इनफैक्ट जैसे हम लोग फाइनेंस कैटेगरी के हैं तो ट्रेडिंग के जो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स हैं पॉल ट्यूटर जोन्स उनका नाम है तो पॉल ट्यूटर जोन्स से एक बार पूछा गया कि भाई आपके कोच कौन है तो वो बोले टोनी रॉबिन्स बोले भाई आप तो ट्रेडिंग वाले हो मोटिवेशनल कोच आपके कोच कैसे हो गए तो और बाय द वे ये आज से बारह पंद्रह साल पहले की बात है आठ आठ करोड़ रुपए वन ऑन वन सेशन के दिए इन्हें टोनी रॉबिन्स को आठ आठ करोड़ आठ आठ करोड़ कुछ सात आठ सेशन के देते थे वन ऑन वन ठीक है मतलब एक सेशन का एक करोड़ रुपए ठीक है रुपए में बता रहा हूँ डॉलर नहीं रुपए के हिसाब से तो लोगों ने पूछा पागल हो क्या इसके लिए क्यों दे रहे हो तो बोले देखो ट्रेडिंग जब मैं छोटे अमाउंट से करता था तो मेरा माइंडसेट का इतना ज्यादा कुछ था नहीं मैं सहन कर लेता था अप डाउन लॉस प्रॉफिट ये हो जाता था धीरे धीरे जब बढ़ने लग गया ना तो मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत थी मेरे को चाहिए था जो मेरे को मेरा पोटेंशियल याद दिलाए देखिए हनुमान जी को भी ना किसी की जरूरत पड़ी थी वो पोटेंशियल रियलाइज करवाने के लिए तो मुझे चाहिए था कोई दिलवाए मतलब सृष्टि का सबसे पावरफुल इंसान exactly. उसको भी जरूरत उसको पड़ी भी जरूरत पड़ी तो ये तो हम आम इंसान है तो ये वाली जब चीजें एहसास होने लग गई ना तब जाके दैट एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग आउट मेरा तो ये टोनी रॉबिन्स वही जो लोग सोचते हैं कि वही कहाँ से तो पॉल ट्यूडर जोन्स ने भी इसलिए रखा तो बोले जब मेरा कैपिटल बढ़ने लग गया तो कहीं ना कहीं मेरे को psychological, मेरे हिलने लग गया था तो मेरा नुकसान होने लग गया, तो मैं को पांच सौ रुपए ना और आजकल तो एक कॉमन होता है जनरलाइज होता है हर कोई स्कैमर ही बन जाता है पब्लिक के लिए हर बंदा स्कैमर है जो पैसा मांगता है वो स्कैमर है ठीक है सिंपल सी बात है ऑल द बिग पीपल हर बड़े आदमी के पास

पूरे दे डेढ़ हाँ पढ़े लिखे नहीं हो तुमको ये जी का क्या नहीं पता वो नहीं पता बिल्कुल समझ गए तो उन्होंने क्या बोला बॉस मैं ये सब जान के क्या करूँ मेरे ऑफिस में चार बटन है एक बटन दबाऊंगा तो हिस्ट्री का नॉलेजेबल सबसे नॉलेजेबल इंसान मेरे अंदर काम करता है दूसरा बटन दबाऊंगा साइंस का सबसे नॉलेजेबल तीसरा दबाऊंगा ये इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा तो जब मेरे पास ये है तो मैं अपना टाइम क्यों खोपची करो मेरे दिमाग में स्ट्रेटेजी बना तो मेरी कंपनी को कैसे ग्रो करना है

अर्जुन के भी तो गुरु थे अर्जुन के भी थे कर्ण बार बार असफल हो रहा था गुरु के लिए भटक रहा था अल्टीमेटली गुरु मिले तभी उसका जर्नी आगे बढ़ा एग्जैक्टली exactly. अच्छा अब कुछ लोग इसको मिसलीडिंग ले सकते हैं कि अरे ये कोर्स बेचने के लिए ना भैया कुछ भी मत लो। हम बस एक जनरल पॉइंट बता रहे हैं कि मेंटर होते हैं तो once you reach that stage, अगर सही में दो वक्त की रोटी खानी है मस्त ऐश करना है रात को नेटफ्लिक्स देखना है बीवी के साथ झगड़ा करना है, तो ठीक है यार तो करो बट अगर आपको एक लेवल आगे सोचना है तो ये मैं नहीं आप जाके इतिहास गूगल कवर कर लो सब कुछ देख लो आपको वहां पर चीजें दिखेंगी और अगर सागर जी हम मतलब इसपे तो मैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स ला के दे सकता हूँ तो अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स आए लाइक्स आए कमेंट्स आए तो लोगों ने अगर पार्ट टू की गुहार करी तो जरूर हम इस पर एक और डिटेल्ड सेशन करेंगे इस वाले एरिया पे तो टोनी रॉबिन्स का तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से इन्होंने अपने बनाया और आज तो यार ये आप सभी को पता है नाम तो सबने ही सुना हुआ है और मेरे हिसाब से कोई भी बंदा अगर ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री में आता है उसने एक बार तो इनका नाम सुना ही टोनी तो तो बिजनेस माइंड के हिसाब से ही बनाया तो मौ, मौरल, मौरल अभी तक का जो डिस्कशन का हमारा ये हो रहा है कि जो डार्कनेस से निकलना है वो माइंड कंट्रोल है अब माइंड कंट्रोल का तरीके अलग हो गए हमने अभी तक मेडिटेशन की बात करी

हम ये जो काला जाल हमारे मैट्रिक्स का बिछाया गया है ना उससे निकलने का सिर्फ यही तरीका है अदरवाइज लोग फंसते जा रहे हैं आपने एक चीज़ देखी अब ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल हो सकता है बट चलिए बोल देते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल हो तो हो मतलब थोड़ा हैरानी होती है कि आ, जो लोग वैल्यू दे रहे हैं जो लोग सिखा रहे हैं जो लोग एजुकेशन दे रहे हैं उसमें अगर अच्छे खासे वो लोग अच्छे लेवल पे मुकाम पे पहुंचे जैसे आप मैं हम लोग पहुंचे तो हम अगर आज सड़क पे जाते हैं तो हमको पचास लोग, सौ लोग मिलते रहेंगे सर हमने आपकी वीडियो देखी सर बहुत अच्छा है सर एक नहीं। नहीं। ये है वहीं पर कुछ लोग होंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी अरे पापा घर पे हल्दी खत्म हो गई अरे मैं कुत्ते को घुमाने ले जा रहा हूँ लेज नो वैल्यू इज बिंग एडेड लेकिन वो जब जाएंगे ना सागर जी जान के हैरान हो जाओगे हजार लोगों की भीड़ एक सेकंड में लग जाती है right. राइट और ये हम किसी स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं कर रहे इन जनरल बता रहे हैं तो लोगों का ब्रेन वॉश किस किस लेवल पे हो चुका है आप सोचिए कि हम इतने ज़्यादा विल्ले हो चुके हैं कि हमको ये देखने में मज़ा आ रहा है कि किसके घर पे हल्दी ख़त्म हो गई है किसके घर पे कौन सा कुत्ता आ रहा है भाई साहब वो आपके अटेंशन स्पैन से ही पैसे कमा के वो कुत्ता आ रहा है वो लम्बॉर्गनी आ रही है वो ये सारी चीज़ें आ रही हैं और आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा लोग दिखा रहे कि भैया हम लोग झगड़े वगड़े कर रहे हैं फायदा किसका हो रहा है फायदा उन्हीं का हो रहा है जो झगड़े कर रहे हैं क्योंकि वो झगड़े भी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उनको देखें लैं? आप देखेंगे तो व्यू आएंगे व्यू आएंगे तो आप पे... नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम बिग बॉस की बात कर रहे हैं आ, जो भी है <laughs> 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 हाँ अभी हम फायर की बात कर रहे थे तो अभी दरअसल थोड़ा सा टॉपिक से हट गए हम बात कर लेते हैं अभी दरअसल जहाँ पे हम जिस स्टूडियो में बात कर रहे हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा कुछ जलने की बू आई तो हमने बात करने लग गए यार आजकल आग वाग बहुत लग रहा है बिल्डिंग्स वगैरह में तो ऐसा भी कुछ हो तो हमने फायर का क्या बोलते हैं उसको पायर सिलेंडर मंगा के रखा है कुछ हो तो उसे कर लें तो इसी बीच अभिषेक भैया ने एक जिक्र निकाला किसी सिनेमा हॉल में तो, तो क्या था ये <laughs> ये दिल्ली वालों को पता होगा जो पुराने दिल्ली से बिलोंग करते हैं उपहार सिनेमा था आपकी दिल्ली में नहीं। नहीं। 1997 में उधर आग लग गई थी आई थिंक सो बॉर्डर फिल्म लगी थी उस समय पे आई थिंक बॉर्डर ही थी

तो कि वो एरिया आज भी कहते हैं कि उस एरिया के आसपास से आज भी अगर आप जाते हो ना तो आपको रात को लोगों के अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है एक तो ये दरवाजा अभी ऐसे क्यों खुल दिया <laughs> तो एक तो आपको चि... आज भी अगर वहां से आप गुजर तो आज भी अगर आप वहाँ से गुजरते हो तो वहाँ पर आपको लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है चीखने की आवाज़ आती है <laughs> आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर काफी बार आपको आ, फीमेल का वॉइस आएगा कि बचाओ बचाओ वाली आवाज आएगी तो इस तरह से है इनफैक्ट इंडिया में काफी इस तरह के हैं हमने आग वाली ये वाले बात करी है तो बॉम्बे में भी ऐसी एक जगह है वो okay. तो जगह की एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है एक बहुत बड़े माले की बिल्डिंग बन रही थी वहां पर माना जाता है उधर एक फ्लोर पे ही आग लगी थी और उसके बाद से पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ही रोका गया है वो आज तक कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है वहां पर बाहर से जो लोग गुजरते हैं ना तो एक जगह कुछ आवा? क्या है क्यों बोलने कुछ दिख रहा गया लग क्या क्या उसको अलग से चल रहा है ये अभी <laughs> हाँ तो मुंबई में भी इस तरह के काफी हादसे हुए हैं तो यूजुअली कहा जाता है कि ये जो आ, ये जो थिएटर्स होते हैं पुराने वाले थिएटर्स होते हैं जो खंडर हुए आपको बोलूंगा आप एक बार

ठीक है वो लोग बोले कि बढ़िया यहाँ पर जाएंगे अपन आ, स्टे वे करेंगे इधर इधर जाके अपन गाड़ी अपन ने ले लिए हायर कर लिए खुद ही चलाएंगे खुद ही जाके अपन वहां पर रह के आएंगे तो उनको पहले से वॉर्न किया गया था कि भैया ये तुमने होटल तो बहुत बढ़िया ले लिया है लेकिन जिस होटल में तुम लोग रुकने के लिए जा रहे हो ना जिस एरिया से जाने वाले हो वहाँ पर गाड़ी मत रोकना okay. थोड़ा रिस्की है ठीक है तो ये जनाब इनके फादर बोले बोले अरे यार कुछ नहीं है ऐसा इस तरह से कुछ नहीं अपन चलते इस हिसाब से फिर उसके बाद क्या हो गया कि ये जैसे ही इन्होंने अपना मैप में लगाया गूगल मैप लगाया गूगल मैप ने अपना एक लोकेशन बताया ठीक है थीके? तो गूगल मैप ने लोकेशन बताया तो फादर को थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा था कि भाई थोड़ा डिजीनेस लग रहा था तो इन्हीं के साथ जो उनका वर्किंग एक वर्कर टाइप एक बंदा था जो ड्राइव भी करता था उसको बोला कि भैया तुम चला लो यार तो बोला ठीक है भैया तो वह देख के देख रहा और वो उस पूरे एरिया को जानता है वह बहुत बार आ चुका है तो वो बोल रहा है वैसे मैप जो जगह दिखा रही है ना वो जगह सही नहीं है बोले यार तुम लेके चलो ये लोग जैसे ही मैप में जहाँ पर होटल दिखाया गया है मैप के डॉट उस स्पॉट पे पहुंचते हैं उधर कोई होटल ही नहीं है उधर खाली एक पेड़ है अच्छा बहुत बड़ा सा पेड़ है और हर जगह अंधेरा है ये बोले यार कुछ तो गड़बड़ है और सबको ना थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है और थोड़ा अलग से मतलब अलग लग रहा है मतलब एक जो बोलते हैं ना कहीं से वाइब आती थोड़ी एनर्जी आ रही है फियर वाली एक एनर्जी वाइब आ रही है तो ये सीधा बोलते है बोले काम कर जहाँ से अपन आए ना तू रिवर्स करके ये लेना शुरू कर ठीक है और ये रिवर्स करके लेना शुरू करते हैं ठीक है थेके? और इसको जो मतलब जो इनका वर्कर है अब जो वो ड्राइव कर रहा है इसको अचानक से ये पूरा फील होता है कि जैसे जैसे इनकी गाड़ी जैसे भी स्पीड में चल रही है देर इज़ सम बड़ी हु इज़ फॉलोइंग दैम बट वो ऐसा लग रहा है वो भाग भाग के फॉलो कर रहा है ओके okay. इस स्पीड में और फटी है इनकी हालत टाइट है तो इसको ये साइड में बोला है सर जी ये कुछ है गड़बड़ है और इधर के बारे में ना बहुत किस्से सुने क्योंकि क्या होता है वर्कर लोगों के फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी होते हैं तो ये लोग बताते ही होंगे इस तरह के किस्से बोले बहुत गलत सुने हुए हैं हम गलत जगह पर आ गए ये रेस दबाते जा रहे हैं दबाते जा रहे हैं बोले कुछ भी कर मेन अपन एक बार मेन रोड पे आ गए तो लाइट वाइट रहती है और मुंबई दिल्ली तो ऐसे एरिया रहते हैं कि भैया रात को भी सोते नहीं है तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता है इस तरह से तो ये करो ऐसा करके तो ये बिल्कुल जाते 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 फाइनली इनको जो होटल जाना था वो रिवर्स साइड पे उसी साइड पे जहां से उनने टर्न लिया था मतलब जहां पहला टर्न लिया था उसी के इस साइड पे ही था मैप जबरदस्ती उनको उस पेड़ तक लेके गया और जैसे ही वो उस होटल में पहुंचे ना जस्ट बाहर निकले उनके चारों टायर्स फ्लैट फट गए बोले क्या सीन है कुछ समझ में ही नहीं आया वाइब अलग हो रही है उधर अलग अलग से ऐसा लग रहा था जैसे संबड़ी इज रनिंग तो वहां पे जो चौकीदार था वो होटल का तो बोले सर जी आप लोग भी उधर ही मुड़ गए थे क्या तो बोले हाँ आपको कैसे पता बोले सर इस समय पे ना मतलब टेक्निकली वैसे तो चेक इन देखिए दिन का ही रहता है रात को लेकिन चलिए कुछ लोग आना चाहते हैं इस हिसाब से तो हम वो बोलते नहीं हैं लेकिन रात को एक दो बजे के बाद जब भी इधर कोई आता है तो बहुत हमारे क्लाइंट्स ने कहा है कि उन लोगों की गाड़ी वहाँ पर डाइवर्ट हो जाती है एंड आपको शायद पता नहीं होगा कि आपने अगर अखबारों में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा कार के एक्सीडेंट रात को उसी एग्जैक्ट एरियाज़ में हुए हैं जहाँ से आप होके आए हो ऐसा सच में हुआ है और ये शायद लोग गेस कर लेंगे मैं लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ ये कौन सा एरिया है क्योंकि ये फेमस एरिया है ये दिल्ली का एरिया है और ये नहीं ये मुंबई का एरिया है okay. ये वाला और ये लोग गेस कर लेंगे बताना भैया क्या है हमको भी नहीं पता है तो अभिषेक भैया पहले ये बताओ आपने जो इतनी सारी चीजें बताई इसके सारे एविडेंस गूगल पे मिल जाएंगे गूगल पे भी मिल जाएंगे कुछ कुछ, -कुछ के आधे अधूरे एडवर्टेंस मिलेंगे कुछ चीजें से लाते हो या देखिए सारी कहानियाँ सिर्फ गूगल से नहीं है काफी सारी कहानियाँ हिस्टोरिकल आर्काइव होती हैं अगर आप जाएंगे यूएस में भी जाएंगे तो वहां पर भी मिलेंगे आपको आजकल तो डेटा इन लोगों ने ऑनलाइन भी बना के रखा हुआ है कुछ के प्रीमियम सर्विसेज भी होती है वहाँ से भी मिल जाती है फिर उसके बाद है मेन तो आता नेटवर्क होता है यार तो जब आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं आप लोगों से मिलते हैं तो वो आपको काफी चीजें बताते हैं exchange होती है exactly तो क्या होता है कि काफी बार काफी सारे ऐसे लोग रहते हैं जो उस एरा में रह चुके हैं या तो उनके फैमिली वाले उस एरा में रह चुके हैं मैं नाइनटीन की नहीं बात कर रहा हूँ जैसे हर्षद मेहता वाले हो गए हमारे दूसरे वाले सारे लोग हो गए तो ये कुछ इस एरा को छू चुके हैं या तो वो बचपन में देखते थे वाइल्ड ग्रोइंग तो में तो दे नो मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल हुई प्रोडिक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मेन तो है हिस्टोरिकल आर्काइव दूसरा है रीडिंग ऑब्वियसली रीड करने की कोशिश करते गूगल से ज्यादा मैं किताबों पे ज्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है किताबें ज्यादा ऑथेंटिक है गूगल से गूगल में आपको बहुत कुछ ऐसा भी मिल जाएगा जो शायद सच भी नहीं है हाँ, बिल्कुल क्योंकि आज आप भी उठा के कुछ एक डाल दोगे एक आर्टिकल छपाओगे तो वो भी दिख जाएगा वहाँ पे सिंपल और well. किताबें लिखने से पहले आदमी पचास चीज करता है तब वो लिखता है नहीं किताब वो हमेशा एक कलेक्टिव विजडम रहता है दूसरी चीज वो हो गई तीसरी चीज है क्यूरोसिटी के चक्कर में जो मैंने कहा नेटवर्किंग जो मैं करता हूँ तो वो जैसे जैसे कल के दिन मैं काफी म्यूजिक इंडस्ट्री के, में हम कुछ के लोगों का प्यार मिलेगा इस पे तो फिर हम कुछ तो लोगों के लिए भी तो कार्य दिए जाए तो मेन तो, तो यही हो गया हिस्टोरिकल आर्क हो गए उसके बाद नेटवर्किंग हो गई नेटवर्किंग में भी ने, देखो यार दो तरीके की नेटवर्किंग होती है एक होती है नेटवर्किंग अच्छा म्यूजिक वाला था सॉरी तो जैसे हमारा अगर दर्शकों ने प्यार दिया तो हम सेकंड पार्ट में ज़रूर म्यूज़िक इंडस्ट्री के भी थोड़े डार्क साइड के बारे में बात करेंगे अच्छे अच्छे सिंगरों से थोड़ा उठना बैठना हुआ तो ये वाली चीज़ है तो मेन तो होता है या नेटवर्क होता है अच्छा और नेटवर्क का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है

भले ही वो दुनिया का सबसे धनी इंसान हो लेकिन वो कुछ ऐसी काउंसिल दे दे कुछ ऐसा हेल्प कर दे कि अच्छा भाई आप इस तरफ फंसे हो वो होटल वाला तो मेरे पहचान का रुको मैं करवा देता, इसे कहते हैं नेटवर्क बट बहुत सारे लोगों को लगता है नेटवर्क मतलब सोशल मीडिया वाला वो नेटवर्क की भैया दस लोगों के साथ मैं फोटो डाली वो मेरा नेटवर्क है वो तो फन मेरे भी अगर आप देखोगे मेरा इंस्टाग्राम और ये सब वो मेरे फन पेज है उस पे फन वाला है कि भैया इसके साथ भी डल रहा उसके साथ भी डल रहा है ये सारा फन है उसको मैं नेटवर्क कहता ही नहीं हूँ वो भौकाली नेटवर्क है मतलब भौकाल बनाने के लिए हर बस हाइप है वो सोशल मीडिया वाला है सोशल मीडिया वाला यूजली देखिये सोशल मीडिया में एक चीज होती है इंस्टाग्राम पे आप जाते हैं ना तो एक चीज बोलते हैं फिल्टर ठीक है नाम ही बता रहा है सोशल मीडिया का काम क्या है नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा सोशल मीडिया में सब कुछ आता है फिल्टर्ड तभी तो दिए फिल्टर सोशल मीडिया में कोई भी लड़की बदसूरत नहीं दिखेगी और कोई भी लड़का आपको सबसे बेकार नहीं दिखेगा कोई भी लड़की बदसूरत नहीं दिखेगी कोई भी लड़का गरीब नहीं दिखेगा हाँ ये बदसूरत ये दिखे। नहीं दिखेगी कोई भी लड़का आपको गरीब नहीं दिखेगा सोशल मीडिया पे हर बंदा खुशी है किसी को गम नहीं है अगर किसी को गम है तो वो प्रोपोगा ही चला रहा है अगर कोई व्यक्ति एग्रेसिव दिखा रहा है तो वो रिलीजन ही खेल रहा है तो आप समझिए सोशल मीडिया पे आपको बायसेस बना के दिखाया जा रहा है आप लोग कंपेयर करने लग जाते हो फिर अपनी लाइफ को अरे यार वो व्यक्ति को तो देखो यार वो तो रोज इंटरनेशनल ट्रिप मार रहा है और उसके तो कितने ऐसे आपको पता ही नहीं है कि वो गया जीवन में सिर्फ दो इंटरनेशनल ट्रिप है हर बीस पच्चीस दिन में उसी के अलग अलग एंगल की फोटो डाल रहा है वो बहुत सारे केसेस में तो वो इंटरनेशनल गया भी नहीं है बीस हजार रुपए भाड़े में आपको उस तरह का सेटअप मिल जाता है हाँ मैं रिसेंटली देख रहा था कोई रील था कि गुड़गांव में कोई स्टूडियो है आप बिल्कुल अरे ये जेट वालों ने तो और बुरा काट के रखा हुआ है आम जनता का हमारे पास जटे 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 अरे कुछ जेट नहीं है यही है जो आपने गुड़गांव वाला हाँ बोला हाँ है बीस हजार में एक प्लान मिलता है पैतीस हजार में दूसरा प्लान मिलता है जेट जैसा फीलिंग दे दो इधर उधर करके फोटो कर लो फिर उसके बाद बोल दो की गाइस देखो मैं जट में घूमता हूँ अगर तुमको भी घूमना तुम भी घूमना चाहते हो मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो ये भी कुछ उस तरह का हो गया हमने शुरुआत में जैसे करा था कि माइंड कंट्रोल वाला ये छोटे वाले हैं

वो लोग भी अगर जब दिखा रहे हैं तो वो तो समझ में नहीं आता और एक चीज ना मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी में पढ़ी हुई थी कि जब लैंबोर्गनी बंदा लेके आता है और पार्किंग करता है ना तो कोई बंदा ये नहीं बोलता क्या मस्त बंदा होगा हर क्या कहता है क्या गाड़ी है हाँ। तो आपको लगता होगा आपकी कदर हो रही है डीप विद इन कदर आपकी नहीं उस लम्बोर्गनी की हो रही है आपके साथ फोटो इसलिए खींचे जा रही है क्योंकि वो है और मेन तो वो लम्बॉर्गनी आनी चाहिए बैकग्राउंड में आप तो बाद में देखे जाओगे

इसमें अगली बार हम कोशिश करेंगे दोबारा लेकिन तब इसमें देखते हैं कितना लोगों का प्यार मिलता है उसके बाद दोबारा अभिषेक भैया को हम पकड़ करके यहीं बिठाएंगे और चीजें निकलवाने की कोशिश करेंगे सिंगर वाला अगला बोला बिल्कुल म्यूजिक वाला म्यूजिक और तो थोड़ा ब्राइट साइड भी, भी दिखा देंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच अभिषेक भाई थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच